इस वीडियो में एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के न्यूज़ के बारे में देखेंगे और इस न्यूज़ से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को क्या फ़ायदा होने वाला है इसके बारे में भी देखेंगे, और इससे हम एक एग्जांपल भी देखेंगे और उस कंपनी के बारे में रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने से उस पर क्या फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इस न्यूज़ में देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिस्टोर्ड द स्टेटस को as was prevailing prior to 22nd May 2022 and withdrawn the export duty and iron ores and fine iron below 58% Fe content iron ore pellets and specified steel products including pig iron and the import duty cessation on anthracite, PCI coal, coking coal, coke and semi-coke have also been withdrawn। तो अगर हम देखेंगे तो थोड़े बहुत आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो कि रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन पे उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया था जो कि 22nd May 2022 को लगाया था। क्यों लगाया था ये यहाँ पे देखेंगे तो इन May 2022 द वेक ऑफ शार्प एंड स्टडी राइज इन द प्राइस ऑफ स्टील एंड इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द अवेलेबिलिटी बोथ ऑफ फिनिश्ड स्टील एज वेल एज रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टील मैनुफैक्चरिंग गवर्नमेंट took several tariff measures earlier this year। तो स्टील का प्राइस काफ़ी बढ़ गया था और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया था और उस कदम से गवर्नमेंट स्टील प्राइस को नॉर्मलाइज कर चुकी है, और अभी उन्होंने ऑप्शन दिया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको छूट दी गई है थोड़े बहुत एक्सपोर्ट्स में, और इंपोर्ट ड्यूटी जो कि घटा दिया गया था और रिमूव कर दिया गया था उनको फिर से लागू कर दिया गया है, ताकि जो कि आयरन स्टील प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है उसको भी इंडिया डोमेस्टिकली भी कंज्यूम कर सके, और अगर ज़्यादा बचता है तो कि एक्सपोर्ट भी कर सके। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि इस न्यूज़ के चलते हुए काफ़ी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन कंसिड्रेशन रहने वाले हैं और उनके स्टॉक्स इन कंसिड्रेशन रहने वाले हैं। अगर मैं एक एग्जांपल के तरीके से देखूंगा तो मैं मैथन एलॉय को एग्जांपल के तरीके से लिया हूँ, और मैथन एलॉय का अगर हम लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस क्वार्टर में इफ़ यू कैन सी द सेल हैज़ कम डाउन बाय 690 crores, जो कि 975 crores हुआ करता था लास्ट क्वार्टर में, अभी घट के 690 crore हुआ है, और अगर ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो बहुत ही कम बढ़ी है, और उसी तरीके से प्रॉफिट एंड ऑफ कोर्स नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस भी बहुत ही घटा है, एंड दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले पाँच छः महीनों से उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया था, तो ये कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था उनका जो प्रोडक्ट्स है, तो इसके वजह से उनका सेल्स ऑटोमेटिकली घट गया था। अभी जो टैरिफ गवर्नमेंट ने हटा दिया है उस टैरिफ्स के चलते हुए इस कंपनी का सेल्स फिर से बढ़ सकता है, और अगर बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा, तो ये कंसिडरेशन में, ये कंपनी कंसिडरेशन में रह सकती है, क्योंकि दिस कंपनी इज़ फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग, मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 2,600 crores की है जो कि माइक्रो कैप में ही आ जाती है, स्टॉक पी इज जस्ट 2.83 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी वेरी हाई एंड इट इज जीरो डेट कंपनी एज वेल एज प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो इज आल्सो 0.08। और इस ऐसे कंपनीज काफी दिन तक चुप तो नहीं रह सकेंगे, तो द न्यूज़ विल डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दिस कंपनी। और अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो देर इज़ नॉट मच चेंज, तो 1.77 था, 1.68 घटा FIS एंड DIS थोड़ा ही घटी है, और अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी गुड, इट इज़ 74.98% विच इज़ अ वेरी गुड नंबर एक्चुअली। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ इनका बैलेंस शीट देखेंगे तो देर इज़ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ कमिंग एन एट अराउंड 839 crores इनका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, एंड दिस इज़ गोइंग टू डेफिनेटली शो इन द रिजल्ट्स इन कमिंग फ्यू ईयर्स। अगर हमारा विजन लॉन्ग टर्म है तो दिस कंपनी लुक्स प्रॉमिसिंग, बट अगेन प्लीज नोट दिस इज़ नॉट अ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, एंड प्लीज़ डू मेक यूर डिसीजन बेस्ड ऑन द इनपुट्स फ्रॉम योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।